आज मैंने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि आज हम पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल और वी कैन से एक कन्वेंशनल गाड़ी के रिव्यू करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ साद भाई जो कि मेरे बड़े भाई हैं एंड इट्स हिज कार। साहब ही बताइएगा कि ये कौन सी गाड़ी है। सो दिस इज़ अ होंडा सिविक 1.8 ओरियल यूजी मॉडल। तो ये 2020 में मैंने ली थी। यूजी आपने वर्ड बोला है, इसका क्या मतलब होता है? इट्स एन अपग्रेडेड वर्जन जहाँ पे इसमें लेदर का इंटीरियर किया जाता है, मतलब जहाँ पे ट्रेडिशनली प्लास्टिक होता है, मतलब फैब्रिक होता है, हाँ फैब्रिक होता है या प्लास्टिक होता है। डैशबोर्ड सारा लेदर कवर्ड होता है और आर्म रेस्ट और आपका सेंट्रल कंसोल सारा जो है और डोर्स के इंटीरियर वो सारे लेदर। उसके अलावा मेरे ख्याल से नेविगेशन भी अपग्रेडेड में आती है, वैसे नॉर्मली नहीं आती। हाँ नेविगेशन भी इसमें आती है। ठीक है, तो आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? 2020 में ये परचेज की थी। और उस टाइम इसकी प्राइस ब्रैकेट क्या थी? ये रफली 45 के प्लस माइनस में थी, यानी कि 4.5 से 5 मिलियन तक इसकी रेंज थी। ओके, तो रजिस्ट्रेशन जब आपने करवाई कितनी कॉस्ट की थी? आपने नंबर भी मेरे ख्याल से अपना मर्जी का लगवाया हुआ है तो। हाँ, क्योंकि हमारे घर में मोस्टली गाड़ियाँ आपको 7, 8, 6 होती हैं, तो ये फिर हमने जो अपनी पसंद लगवाया तो। और ये तकरीबन 2 लाख इसका था नंबर का सिलेक्शन करने का। ठीक है, और इसके अलावा वैसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस में कोई तकरीबन 80,000 के राउंड अबाउट विद होल्डिंग टैक्स था। सही। और बाकी कोई 1 लाख के करीब वैसे चार्जेस थे। हम अपने रिव्यूज़ में जो सबसे पहले बात करते हैं वो होता है गाड़ी का दिल, यानी कि उसका इंजन। तो दिस कार कम्स विद अ 1.8 लीटर DOHC इंजन, जिसे VVTi होंडा कहता है। होंडा की टेक होती है VVTi। 1.8 का मतलब होता है कि ये 1800 cc है। 2016 में पाकिस्तान के अंदर सिविक के दो वेरिएंट्स आए थे। फर्स्ट वन वाज 1.5 टर्बो जिसकी प्राइस 30 लाख रुपीज़ थी, और जो दूसरा था वो 1.8 ओरियल था जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड था और इसकी प्राइस थी 25 लाख। ये जो इंजन है ये तकरीबन 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और जो टर्बो इंजन होता है वो ऑलमोस्ट 176-175 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो इट्स क्वाइट पावरफुल, इट्स क्वाइट नाइस, आपको कहीं पर अंडर पावर नहीं फील होता। तो जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में पूछेंगे, साथ ही मुझे बताइएगा कि आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है। या परफॉर्मेंस इज सीमलेस, और मैंने टर्बो भी ड्राइव करता हूँ और बहुत सारी गाड़ियाँ दूसरी भी ड्राइव की हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सीमलेस है। इस तरह से कि पावर डिलीवरी में जो लैग है वो नहीं है। टर्बो में आपको टर्बो लैग थोड़ा सा फील होता है, रेव अप होने से पहले वो थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन इसकी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन इसकी पावर डिलीवरी स्मूथ है, आपको थोड़े बम्पी राइड फील नहीं होती। हमने अब बोनट खोला हुआ है तो इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको मसला करती हो? हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मुझे लेड एसिड बैटरी आई थी। हाँ। और उसकी वजह से ये होता था कि वो उसके जो टर्मिनल थे वो डैमेज होके मुझे 2 दफ़ा रोड पे रुकना पड़ा था। अच्छा। मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गए और स्टेयरिंग भी हार्ड, क्योंकि वो बैटरी पावर्ड होता है। सही है। तो मेरे ख्याल से गोइंग फॉरवर्ड आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ी थी। या आई चेंज इट ट्वाइस। तो अभी मैंने इसमें ड्राई बैटरी रखवाई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जेन्युइनली ड्राई बैटरी आनी चाहिए। आजकल गाड़ी में ड्राई बैटरी ही आ रही है, लेकिन इसमें वगैरह में ड्राई आती है। इसमें जो है वो एसिड बैटरी है, तो ये एक मसला है। तो अभी हम खड़े हुए हैं इसके साथ और काफ़ी मुझे हीट फील हो रही है। कभी गाड़ी हीट अप हुई है आपकी? नेवर। और कूलेंट भी जो है वो कभी भी, मतलब उसमें एक ड्रॉप का भी फर्क नहीं आया। इंजन के बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग ऑफ द कार। ये गाड़ी 2016 में आई थी और उसके बाद 2019 के अंदर इसका फेसलिफ्ट आया था। सो साथ भी टेल मी अबाउट इट्स स्टाइल, आपको कैसी लगती है गाड़ी? स्टाइलिंग और फेस के मामले में तो नो डाउट एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी है मेरी नज़र में, खासकर इसकी जो हेडलाइट्स हैं। पहले हाँ। ये प्री फेसलिफ्ट में नहीं आती थी हेडलाइट्स, हेलोजन बल्ब आते। हाँ, हेलोजन्स थे, इनको इन्होंने अपग्रेड करके जो है वो LED लैंप्स कर दिया है। और आपको पता है कि सिविक जो है शुरू से ही वो एक यूथ का सिंबल है, यूथ की गाड़ी मानी जाती है। तो मुझे तो इसके जो फेस कट्स हैं और वो खूबसूरती बहुत पसंद है, एक स्पोर्टी लुक है गाड़ी। ठीक है, और फेसलिफ्ट में और इन्होंने क्या क्या चेंज किया था? फेसलिफ्ट में इन्होंने एक तो रिम्स जो है उनका डिज़ाइन चेंज किया है, मैट में कर दिए हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक शार्क फिन एंटीना जो है वो ऐड कर दिया था। ये पाकिस्तानी गाड़ियों की पहचान होती है, शार्क फिन एंटीना। और मेजर जो है वही हेडलाइट्स जो है वो बड़ी खूबसूरत कर दी हैं इनकी जो है वो, डेफिनेटली आई थिंक ल्यूमिनोसिटी ज़्यादा है उससे, येलो वाली से। बिल्कुल। और इसके स्टाइलिंग में आपको कोई चीज़ अच्छी बुरी लगती हो वो बताइए। स्टाइलिंग में मेरे ख्याल से स्टाइलिंग में हमेशा होंडा जो है वो टॉप ऑफ द लाइन रहा है, कभी उन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन फीचर वाइज अगर बात करें तो फीचर काफ़ी कम है। आजकल गाड़ियों में जो है वो अडेप्टेबल क्रूज़ कंट्रोल आ रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हैं, जैसे लेन असिस्ट का फीचर आ रहा है। ठीक है, वो इसमें नहीं मिलता। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी जो है वो
हाई प्राइस्ड कार है अपने मतलब वैल्यू के हिसाब से, तो इसमें फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, फीचर्स की बात कर ही रहे हैं तो आप बता रहे हैं इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल की कमी फील होती है आपको, क्योंकि आप लॉन्ग पे काफ़ी ट्रैवल करते हैं, इस्लामाबाद आते जाते हैं, तो उसके अलावा जो फीचर्स हैं इस गाड़ी में और जो नहीं है उनके बारे में बताएं कि और इसके अलावा कौन सा आप मिस करते हैं। मेरे ख्याल से मेन तो ड्राइविंग में यही फील होता है कि जब आप लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हैं तो आपको लेन असिस्ट हो, हाँ लेन असिस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल हो, ऑटो ब्रेकिंग हो जाए। हाँ, ऑटो ब्रेकिंग फीचर नहीं है इसमें। ठीक हो गया, ये होंडा की जो नई जनरेशन आ गई है उसमें भी नहीं है, लेकिन जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है ना उसके अंदर होंडा सेंसिंग आई है एंड दैट कॉस्ट अराउंड 1 crore and 10 lakh। तो मेरे ख्याल से ये फीचर जो है ना एक सेफ्टी फीचर है, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, ये तो आपको ये बेसिक होना चाहिए 3 million की गाड़ी में। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो हर गाड़ी में हो तो ही वो आप गाड़ी ऑन रोड लेके आ सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टायर्स, इसके टायरों के बारे में साथ भी बताएं मुझे। टायर्स जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। कौन से टायर्स आते हैं इसमें स्टॉक? ये हैं स्टॉक टायर्स हैं इसके, बीजी लुक्सो प्लस, जो जनरल के होते हैं। हाँ, जनरल के हैं और मेड इन पाकिस्तान है। मुझे मेड इन पाकिस्तान से मसला नहीं है, अगर अच्छी क्वालिटी के हों तो ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी। लेकिन ये जो है वॉबल कर रहे हैं, मतलब वॉबलिंग शुरू हो चुकी है और इसकी नॉइज भी ज़्यादा है। वैसे इनकी लाइफ जो होती है वो 40 to 50,000 होती है, लेकिन ये मेरे ख्याल से 35,000 30 के बाद से ही आपको इशू कर रहे हैं। हाँ, 35K के बाद जो है ज़्यादा वॉबलिंग शुरू हो गई है, और मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की गाड़ी में जो टायर्स हैं वो ज़रा बेहतर आने चाहिए। अगर हम कंपेयर करें इसके कंपेटिटर के साथ तो इलांट्रा के अंदर कुमो के टायर आते हैं विच आर क्वाइट नाइस, लेकिन उनमें एक मसला होता है कि वो हाई स्पीड्स पे उनमें फटने का खर्चा होता है। लेकिन जो क्रोला आती है उसके अंदर योकोहामा के टायर्स आते हैं एडवन डी बी विच आर क्वाइट नाइस। होंडा को सोचना चाहिए कि वो इसके अंदर टायर्स एटलीस्ट अच्छे दें इतनी अच्छी गाड़ी के बाद। और एक और चीज़ मैं नोट करना चाहूँगा कि आजकल गाड़ी में जो आ रहे हैं वो स्पेयर टायर होता है, फिफ्थ टायर, वो स्पेस बचाने के लिए उसकी थोड़ी सी विड्थ कम रखी होती है। आई थिंक इसमें तो, कौन सा अलॉय रिम है? इसमें मेन अलॉय रिम फुल साइज का टायर है। अच्छा। जो कि एक तो हम एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं, इट्स बीन 3 years और मैंने आज तक इसका टायर कभी चेंज नहीं किया। एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं, आई एम कैरिंग एक्स्ट्रा वेट। पाकिस्तान में तो लोगों को होता है कि जो हमें एक्स्ट्रा चीज भी मिल रही वो भी फुल फ्लेज्ड हो, अच्छा सी वाला टायर हो, हम उसमें स्पेस काफी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हाँ। अगर उसकी विड्थ कम होती तो मेरे पास जो ट्रंक स्पेस है वो काफी ज्यादा। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, दूसरे कंट्रीज में जो होता है ना वो स्पेस सेविंग टायर ही आता है, पाकिस्तान में ही देते हैं। वो यही वजह है जो डीलर हजरात कहते हैं जी तीसरी जो स्टपनी है वो भी फुल अलॉय रिम है। मेरे ख्याल से आपको भी जो है ना कंज्यूमर्स को एजुकेट करना चाहिए इसके बारे में। सो कंपनीज़ को जो स्पेस सेविंग टायर्स होते हैं वो देने चाहिए, बल्कि टायर्स के अलावा टायर्स देने नहीं चाहिए आपको, वो जो होते हैं ना पंक्चर फ्री टायर्स, या आपको उसके साथ कंप्रेसर देना चाहिए जो मोस्टली अब गाड़ियों में आ रहा है। या वी आर गेटिंग दैट इन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स लाइक मर्सिडीज और ऑडी शॉडी, इसमें सब वो टायर्स आ रहे हैं, स्पेयर टायर नहीं आता। ओके, नाउ कमिंग इनसाइड द होंडा सिविक, सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो साथ भी आपको ये गाड़ी चलाते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, तो हाउ इज़ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आप इस गाड़ी को कहाँ तक लेके गए हैं मैक्सिमम, किस लोकेशन तक और कैसी जा रही है अभी तक? हाँ, तो रफली मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं और ड्राइविंग एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत अच्छा है। और मैक्सिमम स्पीड की अगर आप बात करें तो मैं 185-190 तक इसको लेके गया हूँ, और सिर्फ टेस्टिंग के लिए नहीं, मतलब ड्राइव ही तेज़ करते हैं लगातार। फॉर एग्जांपल आई पिक्ड अप अ फ्रेंड फ्रॉम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैं फैसलाबाद आया था, तो आई वाज अ कांस्टेंट 180-185। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इसका एक्सपीरियंस है, इट्स अ प्लेजर टू ड्राइव दिस वन। अच्छा, 180 की स्पीड पे जो इसकी हैंडलिंग थी वो कैसी थी? इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मतलब मैंने और भी काफ़ी सारी ट्राई की हैं गाड़ियाँ इसी स्पीड पे और हाईवे पे, लेकिन लेन चेंज करते वक्त फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड ऑब्वियसली दैट्स नॉट रिकमेंडेड, बट इफ़ यू आर गोइंग तो आपका स्टेबिलिटी रहती है, यू फील लाइक यू हैव द कंट्रोल, और इसमें ऐसा फील नहीं होता कि जो है वो आप गाड़ी जो है बस भगा रहे हैं लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं है। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी कंफर्टेबल ड्राइव और स्टेबिलिटी वाइज बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से सिविक के बारे में ये शुरू से यही है कि जो इसकी आप इसको इसके फीचर्स की वजह से नहीं लेते, आप इसको मतलब इसके कंफर्ट लेवल की वजह से नहीं लेते, आप इसकी हैंडलिंग, इसके जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, एक्सपोर्टिनेस है जो गाड़ी के अंदर, आप उसकी वजह से लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता ही है फीचर की बात करें तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फीचर नहीं है। आजकल मार्केट में बड़े अच्छे फीचर मुतारफ़ कराए जा रहे हैं, जैसा कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया या एंड लेन असिस्ट फीचर्स आ रहे हैं बहुत सारी गाड़ियों में, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। आई थिंक इट्स रियली नीडेड,
ऑन द हाईवेज एंड मोटरवेज, ये चीज़ इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक कार के तौर पे इट्स वेरी गुड, इट्स रियली गुड। फीचर्स की जब हम बात कर ही रहे हैं इंटीरियर में बैठे हुए, वैसे तो हमने फीचर्स की बात की है इससे पहले, लेकिन अगर हम इंटीरियर में बात करें तो ड्राइविंग के लिए इसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन क्रूज कंट्रोल है सिंपल वाला। या सिंपल क्रूज कंट्रोल है, उसका काफ़ी फ़ायदा होता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर अडैप्टिव हो तो डेफिनेटली पाकिस्तान की रोड्स हैं, मोटरवेज पे भी कुछ लोग फर्स्ट लेन में जो है वो समटाइम्स 90-80 पे जा रहे होते हैं और बंदा जो है वो चढ़ रहा होता है कि यार ये क्या सीन है, लेकिन हाँ ठीक है, होना चाहिए। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल इज अ प्लस, लेकिन टॉकिंग अबाउट द क्रूज कंट्रोल, जो इसके कंट्रोल्स हैं, बटन्स हैं, मुझे, मेरे पास भी सिविक रही है तो आई डोंट लाइक दोस बटन्स, टिक टिक करते हैं, आपको भी बुरे लगते हैं? एक्चुअली यू नो वी यूज्ड टू हैव अ रीबर्थ बिफोर दिस वन, सो रीबर्थ के जो बटन्स हैं दे आर रियली सॉफ्ट, लाइक दे वर रियली सॉफ्ट, और उनको यूज करने का एक प्रीमियम फील आती थी जब यूज करते थे, लेकिन आई डोंट नो व्हाई उन्होंने सिविक एक्स में जो है थोड़ा सा शायद पैनल चेंज किया है इसका, लेकिन बटन्स जो है वो बहुत हार्ड है, तो इतने प्रीमियम फील। मेरे ख्याल से किसी सस्ते पाकिस्तानी वेंडर के पास चलेंगे। डेफिनेटली ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें, वो उसकी परफॉर्मेंस बताएं, कोई वाक्या उसका सुनाएं। ओके, सो ट्रैक्शन कंट्रोल में जो है वो जो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आपकी जो है वो स्लिपरी रोड हो, बारिश वगैरह में आपको असिस्ट करता है। तो मेरा एक रिसेंट जो है ना वो इंस्टेंस रहा है, मैं मरी ट्रैवल किया था और वहाँ पे एक प्राइवेट होटल था, तो उसकी जो जो एक्सेस थी वो काफ़ी स्टीप थी, मतलब उसकी स्लोप काफ़ी स्टीप थी, और इट वाज रियली रफली अराउंड 45 degrees आई मस्ट से। तो उसमें जाके जो है वो इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल ने काफ़ी फ़ायदा दिया, मतलब इट वाज रियली इजी टू ड्राइव दिस कार अप टू दैट होटल, लाइक होटल पार्किंग यू कैन से। और मेरा ये कज़न जो है ऑलरेडी उसी होटल की स्लोप पे लैंड क्रूजर प्राडो को लेके गया था तकरीबन 2 माह पहले, और उसने मुझे बताया कि हिज टायर्स वर स्पिनिंग, सो आई डोंट नो इफ ही वाज अ गुड ड्राइवर और नॉट, लेकिन जो है वो मुझे ये मसला फेस नहीं हुआ। मैंने रियलाइज़ किया कि गाड़ी जो है ना वो ट्रैक्शन कंट्रोल कर रही है, क्योंकि दैट ट्रैक्शन कंट्रोल सिंबल वाज कमिंग अप इन माय क्लस्टर। हाँ, इसके वो मीटर के अंदर ना वो आ जाती है ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि आपके जो टायर है ना वो स्पिन कर रहा है और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो वर्किंग कर रहा है अपनी। एग्जैक्टली, ट्रैक्शन कंट्रोल का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो जो टायर स्पिन कर रहा होता है ना, जो जिसमें ट्रैक्शन नहीं होती, तो कंप्यूटर उसको ना जो इंजन की पावर होती है उस टायर में कट ऑफ करता है, और जितनी पावर उसे चाहिए होती है जहाँ तक वो स्पिन ना करे वो उतनी पावर देता है। टॉकिंग अबाउट द प्राडो, आपने प्राडो भी ड्राइव करते हैं यूजुअली लॉन्ग पे, तो मुझे बताएं जब जो आपका एक वो हैंडलिंग की बात कर रहे थे, प्राडो इज एक्चुअली एन ऑफ रोड कार, ये सेडान है, ये रोड्स के लिए बनी है, लेकिन स्टिल अगर हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा कंपेयर करते हैं बॉडी रोल को। बॉडी रोल यानी अगर आप गाड़ी को हाई स्पीड्स पे मूव कर रहे हैं या गाड़ी आपकी जा रही है साथ से कोई और बड़ी व्हीकल गुजर रही है जैसे कि बस, तो क्या ये सिविक हिलती है उसकी प्रेशर, हवा के प्रेशर से, या क्यों आपको फील होता है बॉडी रोल? थोड़ा सा फील होता है, लेकिन मैंने और भी गाड़ियां चलाई हैं और एंड आई कैन कंफर्म के कुछ गाड़ियों पे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो है एरोडायनामिकली अच्छी डिज़ाइन है ये, तो जितनी ऑब्वियसली वो तो बॉडी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। प्राडो का प्रोफाइल जो है, बॉडी प्रोफाइल वो ज़रा ह्यूज है, तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा हिलती भी है और वर्टिकली भी वो ज़्यादा शेक करती है अगर आप उस हाई स्पीड पर टर्न कर रहे हैं, अपनी लेंस जो है उसको चेंज कर रहे हैं। ये चीज़ जो है मैंने बिल्कुल सिविक में नोट नहीं की कि अगर आप हाई स्पीड्स पे अपनी लेंस चेंज भी कर रहे हैं तो यू स्टिल हैव दैट रिजिडिटी, यू हैव दैट कंट्रोल, और आपकी जो गाड़ी है वो ज़मीन के साथ पूरी तरह चिपकी हुई होती है। और इसकी मेन वजह है सस्पेंशन, ऑफकोर्स उसमें ऑफ रोड सस्पेंशन है, एंड इसकी जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी हार्ड है और सेडान के मुताबिक बनी है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सस्पेंशन, जिसके ऊपर कंफर्ट लेवल वो डिपेंड करता है। इसकी सस्पेंशन के बारे में बताएं, जब आप बम्प्स वगैरह से गुजरते हैं या जो हाई स्पीड या लो स्पीड्स, आप किस तरह का फील करते हैं इसकी सस्पेंशन को? या सस्पेंशन इज़ रियली गुड। सस्पेंशन जो है उसके लिए मशहूर है होंडा हमेशा से, शुरू से, कि उन्होंने अपना फोकस जो है, अपनी डिज़ाइन फिलोसफी जो है वो सस्पेंशन, स्पीड और ड्राइविंग प्लेजर के अराउंड ही रखी है, खासकर सिविक में। तो ऑब्वियसली इसकी सस्पेंशन बहुत मज़े की है, मतलब आप बम्पी राइड पे भी जा रहे हो, बम्पी रोड्स पे, तो यू कैन लाइक ड्राइव कंफर्टेबली, और
ऑब्वियसली वो जो ग्राउंड क्लियरेंस का फैक्टर है वो तो रहा ही है शुरू से सिविक में, क्योंकि ये स्पीड और उस चीज़ के लिए डिजाइंड है, स्टेबिलिटी के लिए. तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी नो डाउट कम है. अगर मैं फुल पैक कर दूँ, चार लोग बैठे हों, तो मतलब मीडियम से बम्प्स पे भी समटाइम्स लगता है कि ये नीचे टच करती है. तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट. लेकिन ऑफ कोर्स ये उस चीज़ के लिए डिज़ाइंड नहीं है कि आप लोड करके इसको जो है वो बम्पी राइड्स पे चलाएं. तो ये डिज़ाइंड है एक स्मूथ सरफेस पे एक ऑप्टिमल लोड के साथ चलाने के लिए. अच्छा, अगर हम इसके कंपेटिटर्स की बात करें, इलांट्रा है और क्रोला है पाकिस्तान के अंदर. और जो इलांट्रा की सस्पेंशन है ना, वो स्पोर्टेज, आप ड्राइव करते हैं घर में, स्पोर्टेज भी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती है, सॉफ्ट है और उतनी अच्छी कैलिब्रेटेड नहीं है जितनी इसकी क्लक कैलिब्रेटेड है. बट जो क्रोला है दैट इज़ ऑन द सॉफ्ट साइड, और वो लोग कहते हैं कि पिंडों शिंडों में चलाने के लिए बहुत अच्छी होती है. बट आई थिंक कि सिविक की जो सस्पेंशन है ना, उन्होंने बहुत अच्छे से कैलिब्रेट की हुई है. इट इज़ वेरी गुड. बम्प्स पे भी मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा नीचे लगती है ये गाड़ी, है ना. हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऑब्वियसली अगर आप बहुत खड्डों में ली, और लोगों के माइंड्स में बनी हुई है परसेप्शन के ये बहुत नीचे लगेगी. हाँ, नहीं नहीं नहीं, उस तरह से नहीं है. उस तरह से नहीं है कि आप जा रहे हैं तो बस नीचे से गाड़ी को रगड़ते ही जा रहे हैं, ऐसा सीन नहीं है. कोई बहुत ही गंदा बम्प बनाया हो किसी ने, उसी तो उस पर मसला हो सकता है. ओके, तो मुझे बताएं साथ भी के जो गाड़ी के अंदर आपके फीचर्स हैं उनमें से आपको क्या चीज़ें पसंद हैं इस टाइम जो इंटीरियर के अंदर हैं, और क्या चीज़ें हैं जो आप डिसलाइक करते हैं. ओवरऑल मुझे गाड़ी की, सबसे पहले इंटीरियर पे जाएं तो लुक ही पसंद है. डैशबोर्ड को देखें तो इसको कहा जाता है कि यूथ की जो है गाड़ी है, क्योंकि ये यूथ आइकॉन है. मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो सिविक की तरफ जाती है. प्रेफर करते हैं कि जी हम सिविक की हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कट्स हैं इसके, फॉर एग्जांपल, वो बहुत मजे के हैं. डैशबोर्ड के कट्स हों या इसके जो बॉडी के ट्रिम्स हों, दोनों बहुत खूबसूरत हैं. कर्वी नहीं है, एजी है इसके, यानी कॉर्नर्स बना के उन्होंने कट्स दिए हुए हैं जो कि स्पोर्टी फील देते हैं. दैट्स वेरी नाइस. और मुझे सबसे मेन चीज़ की इंटीरियर ही पसंद है, डैशबोर्ड. बाकी फीचर वाइज तो मेरे ख्याल से क्रोला में भी सेम होंगे, उधर भी क्रूज कंट्रोल हर चीज़ होगी. इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी कोई बहुत खास फ़र्क नहीं होगा. लेकिन डेफिनेटली जो इसका डैशबोर्ड है, क्लस्टर है, मीटर क्लस्टर हो गया. अच्छा, वैसे ऑनेस्टली क्रोला में थोड़े से ज्यादा फीचर्स हैं, जैसे हो सकते हैं पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, ये वो इस तरह की चीजें ना. पैडल शिफ्टर्स इसमें आते हैं लेकिन वो सिर्फ टर्बो में आते हैं. आई थिंक ओरियल में पैडल शिफ्टर्स नहीं वो देते. तो और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ना, उसकी 10 इंच की आती है और बड़ी अच्छी है. अब अगर हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो मुझे आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन का एक्सपीरियंस बताएं. इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है इसका, इट्स आई वुड से एवरेज. कोई इसमें बहुत कोई आउटक्लास चीज़ नहीं है और बिल्कुल फारिग भी नहीं है. मतलब मीडियम सा इसका, एवरेज सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है. इसको और बेहतर किया जा सकता था. एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इट्स प्रीटी न्यू कार, मतलब इतनी ओल्ड नहीं है. आज से तकरीबन 1 साल पहले इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टक हो गया था. तो अच्छा. मतलब इसके जो साइड पे बटन्स लगे हुए हैं, टच बटन्स वॉल्यूम के और इसके दूसरे कंट्रोल्स के, काम नहीं कर रहे थे. हाँ, वो रुक गए थे. तो स्क्रीन चल रही थी वैसे, स्टार्ट में स्क्रीन जो है वो ऑन होना बंद हो गई थी. मैंने इसको ट्राई किया अपने स्टेयरिंग के बटन से भी, सोर्स बटन से ऑन होती है या फिर इस पावर बटन से ऑन होती है. तो दोनों से नहीं हुई. तकरीबन ये 4-5 दिन ऐसे चलता रहा, उसके बाद फिर खुद ही जो है वो ऑन हो गई, मतलब चलना शुरू हो गई. लेकिन साइड वाले बटन जो है वो नहीं चले. लेकिन उसके बाद फिर कोई 1-2 माह ऐसे ही रहा है और उसके बाद खुद ही फिर जो है बटन्स भी चलना शुरू हो गए. तो दैट्स अ बिग, लाइक यू कैन से, मैल फंक्शन. मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मैल फंक्शन कर सकता है. अब तो पूरा चल रहा है लेकिन डेफिनेटली इट वाज अ मैल फंक्शन. ऐसे अगर इंफोटेनमेंट स्क्रीन में देखें तो यहाँ पे ना सीडी की भी जगह है. तो मेरे ख्याल से गाड़ी तो नहीं है लेकिन उन्होंने शायद स्क्रीन बहुत पुराने जमाने की लगाई है. अब तो कोई यूज भी नहीं करता है सीडीज. और ये 2021-22 तक ये गाड़ी चलती रही है एंड दे स्टिल गिव दैट ऑप्शन. हाँ, मैंने नहीं देखी. मैंने अभी तक यूज नहीं की, ना मैंने किसी को देखा है जो यूज करता है. मतलब सीडीज तो वैसे ही खत्म हो गए हैं शायद. वो कैसेट वाला जो एक दौर आया था ना कि खत्म हो गया सारा कुछ, अब सीडीज के साथ वो हो गया. अब तो यूएसबीज भी खत्म होती जा रही. हाँ, एग्जैक्टली. तो खैर, इंफोटेनमेंट स्क्रीन का तो पता लग गया कि ये एक इसमें फ्लॉ है कि ये जो है स्टक हो जाती है. हाँ, और इसके अलावा मैं एक और चीज़ नोट करना चाहूँगा. ये इसमें मोस्टली जो इसके साथ गाड़ियाँ आई हैं इस एरा में, उनमें जो है वो यूएसबी पोर्ट्स आना शुरू हो गई थी चार्जिंग के लिए.
तो वो भी हाई स्पीड जो होती थी। हाँ, लेकिन इसमें जो है वो, यस, इसमें अभी वो नहीं है, मतलब इट्स अ 2020 मॉडल दैट आई एम ड्राइविंग, लेकिन इसमें भी वो चीज़ नहीं है, तो ये होनी चाहिए थी, आनी चाहिए। सी टाइप तो दूर की बात, मतलब 2.0 भी नहीं इन्होंने दी हुई है। हाँ, तो कन्वेंशनल यूएसबी सीरियल बस होती है, वो भी नहीं। और इसके कंपेटिटर इलांट्रा में देखें, उसमें वायरलेस चार्जर भी होता है। हाँ, इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है। तो मुझे एसी की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, हाउ इज द एसी? एसी परफॉर्म्स वेल, इट्स अ गुड वन। मेरा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा डैमेज हो गया था। वो कैसे? आई वाज ड्राइविंग ऑन फैसलाबाद एक्सप्रेसवे, किनाल एक्सप्रेसवे, और वहाँ पे बस एक डॉग या कोई जानवर था, गीदड़, वो आके जो है वो हाई स्पीड पे बजा मेरे बम्पर में, तो उसकी वजह से जो मेरा एयर कॉन है उसका, उसकी गैस वगैरह लीक हो गई और मुझे फिर उसको रिपेयर करना पड़ा। उसका रेडिएटर था और गाड़ी का रेडिएटर था वो भी टूट गया था, मुझे याद है, मैं रिपेयर करवाता रहा था। हाँ, बेसिकली रेडिएटर जो है उसको डैमेज हुआ था, लेकिन उसका कोर पोर्शन जो है वो मेंटेन रहा था, उसका लिक्विड लीक नहीं हुआ था। हाँ। यानी कि उसका या डैमेज हुआ था लेकिन उसका रेडिएटर वैसे बच गया था, लेकिन एसी का जो होता है एग्जॉस्ट सिस्टम वो सारा डैमेज हो गया था। ये चीज जो है वो मैंने नोट किया। तो उसे एसी की परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, या मुझे लगता है कि उससे फर्क पड़ा है। मतलब इसकी ना एसी की आवाज भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, मैंने नोट किया पहले से। हाँ। जब चलता है ना बाहर से आवाज ज्यादा आती है, क्योंकि इसका फैन भी थोड़ा सा टूटा था रेडिएटर का, हो सकता है। और मे बी गैस जो चेंज हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है, डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होते हैं, तो जब गैस आती है तो उसकी आवाज भी आती है, पहले वो आवाज नहीं आती थी जेन्युइन में। और हाँ, इससे रिलेटेड अब मैं एक वैसे जनरल चीज बात करना चाहूंगा कि हम जो है वो मरवत में फॉर एग्जांपल हाईवेज पे डिम लाइट्स करके चला रहे होते हैं। मतलब मैं डिम लाइट्स पे आ रहा था जिसकी वजह से मेरे अंदर जो है ना वो जानवर आके बच गया और मेरा नुकसान हो गया। तो अगर मैं वो हाई बीम पे जा रहा होता तो मुझे वो दूर से नजर आ जाना था और आई वुड हैव स्टॉप्ड, आई कुड हैव स्टॉप्ड, लेकिन वो नहीं आया। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपकी रोड्स हाईवेज के ऊपर लाइट्स नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड बी ड्राइविंग इन हाई बीम। आप मरवत में आके के अगले या पिछले बंदे की आंखों में लाइट पड़ेगी तो आप ये चीज नहीं करें। इट कुड बी माई पर्सनल एडवाइस, मतलब लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हाईवेज पे आपको हाई बीम पे जाना चाहिए। जब आपको फील हो रहा है कि कोई तकलीफ में हमारी लाइट से तब आप डिम कर लें। हाँ, लेकिन कर सकते हैं। जहाँ पे जरूरत नहीं है डिम करने की वहाँ पे आप हाई बीम्स रख लें ताकि एटलीस्ट आपका नुकसान ना हो। इट्स रियली हैजर्डस, स्पेशली ऑन पाकिस्तानी रोड्स, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इवन के लोग भी आ सकते हैं, ये तो फिर जानवर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये कहना चाहूंगा। तो लाइट्स की बात कर रहे हैं तो लाइट्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, अभी रात हो चुकी है, एंड व्हाट अ गुड टाइम टू रिव्यू द लाइट्स। कैसी लाइट्स हैं? सो या लाइट्स आर रियली गुड, मतलब ये एक अपग्रेड है। जब फेसलिफ्ट आई थी सिविक एक्स की, तो उन्होंने हैलोजन से एलईडी पे शिफ्ट किया इसे, और हां जी, इट्स रियली गुड। देखो अभी हाई बीम पे है, हाई बीम है और यू कैन रियली सी अ लॉट फार, तो इट्स रियली गुड। मतलब लाइट्स अच्छी हैं, रात को फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से रास्ता ले रहे हैं तो उसमें भी आसानी होती है। समटाइम्स जो है वो डिम लाइट्स के साथ या हैलोजन लाइट्स के साथ जो अगले बंदे को इतना पता नहीं चलता, लेकिन इसकी लाइट्स अच्छी हैं, अगले बंदे को अलर्ट कर देती हैं। ठीक हो गया, तो हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ की बात कर ली है। मुझे इसके गियर्स के बारे में बताएं, इसमें सीवीटी आता है विच इज़ अ कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, ठीक है। टर्बो के अंदर भी सीवीटी आता है। You drive the turbo too? Yeah, I drive both. I have this one and I do have a turbo as well. तो उसमें ठीक है, मुझे ज़रा बताएं कि मुझे लगता है कि टर्बो के अंदर ना ज़रा ड्राइविंग और इसकी ड्राइविंग में थोड़ा सा फ़र्क है। कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, उनके बारे में बताएं कि आप क्या फील करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई पैसेंजर है तो उसके लिए शायद इतना फ़र्क ना फील हो, लेकिन क्योंकि मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होता है। और उसमें दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। टर्बो जो है उसमें उसका डेफिनेटली डिज़ाइन, इट्स डिज़ाइन फॉर एक्सेलरेशन और पावर डिलीवरी इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर, सो इफ यू गाइस डोंट नो, द टर्बो प्रोड्यूसेस 176 हॉर्स पावर विच इज़ क्वाइट अ लॉट कंसिडरिंग पाकिस्तानी रोड्स। और जो ये गाड़ी है इट इज़ अ 1.8 ओरियल 1800 cc है, और ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। नेचुरली एस्पिरेटेड का मतलब होता है कि इसमें कोई टर्बो, कोई सुपरचार्जर नहीं लगा हुआ, एंड इट प्रोड्यूसेस अराउंड 140 हॉर्स पावर। वो इतना ज़्यादा डिफरेंस लगता तो नहीं है नंबर्स में, बट लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं मेरे ख्याल से डिफरेंस फील होता है ना। एग्जैक्टली ये थोड़ी सी जो विदाउट टर्बो है 1.8 ओरियल, ये स्मूथ ड्राइव है इसकी, मतलब इतनी बम्पी फील नहीं होती व्हेन यू प्रेस द एक्सेलरेटर।
द पावर डिलीवरी इज कंटिन्यूअस, मतलब वो एक स्मूथ पैटर्न में अब जा रही है. ऑब्वियसली इट्स टेकिंग मोर रेवोल्यूशंस पर मिनट, लेकिन जब आप यही चीज टर्बो में देखते हैं तो उसमें आप जब एक्सेलरेशन प्रेस करते हैं तो यू गेट दैट टर्बो लैग, और वो ये होता है टर्बो में. तो मतलब टर्बो का फायदा तो है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव पॉइंट. टर्बो लैग जो आपको स्मूथ ड्राइव नहीं देता, उसमें आपको झटका फील होता है. तो लेकिन जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तभी आपको थोड़ा सा लैग फील होता है. हाँ, उसके बाद ठीक है, उसके बाद टर्बो भी जो है वो स्मूथ. लेकिन जब उसकी पावर डिलीवरी शुरू होती है देन इट जस्ट गोस. या देन इट जस्ट गोस राइट. सो आई गेस दैट्स इट अबाउट द इंटीरियर. जो लास्ट चीज़ रह गई है वो है हमारी इसके अंदर की प्रैक्टिकलिटी और हमारे जो स्पेस है पैसेंजर्स के लिए. अभी मैंने अपनी सीट जो है वो फुल पीछे की हुई है और इट्स इनफ स्पेस. अभी मैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आता हूँ जिससे जो बैक के लिए ना उसके लिए एक अच्छी मिल जाए. सो आई हैव लाइक हाफ अ फुट ऑफ नी रूम और जो लेग रूम है मेरी थाइज फुली सीट के साथ लगी हुई हैं और कोई मसला नहीं है लेग स्पेस का. और ऊपर से जो ये इसका जो मिडल वाला सेंटर वाला एरिया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड्स है तो उसकी वजह से ना मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, जैसे मैं बकेट में बैठा हूँ. तो और ड्राइवर के लिए भी ऐसा ही फील होता होगा. या सेंटर कंसोल इज रियली गुड, वेल डिजाइंड. इसमें कोई मिसयूज ऑफ स्पेस नहीं है, स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है. हेडरूम है, सनरूफ खुला हुआ है, लेकिन स्टिल यू विल फील द रूफ, लेकिन स्टिल इट्स अलॉट. आपको बाहर से लगता है कि जो गाड़ी है वो थोड़ी स्पोर्टी होने की वजह से नीचे को होगी, बट हेडरूम काफ़ी है. उसके अलावा जो इसके आर्मरेस्ट हैं वो लेदर के हैं और सॉफ्ट हैं, और उसके अंदर भी एक स्पेस है जहाँ से आप पकड़ के दरवाजे को खोल सकते हैं. उसके साथ जो इसके मिरर्स के बटन हैं वो ऑटो हैं, और उसके साथ आपके लॉक अनलॉक का पैसेंजर साइड पर भी बटन है. उसके अलावा जो गाड़ी की मटीरियल क्वालिटी है, इट्स क्वाइट नाइस, इट्स सॉफ्ट एवरीवेयर. यहाँ पे हार्ड आपको फील हो रहा होगा क्योंकि ये ऑफ कोर्स प्लास्टिक है. दिस इज़ सॉफ्ट लेदर, दिस इज़ सॉफ्ट. ये यूजी पैकेज है, यूजी में जो है ना आपके ड्रॉर्स भी लेदर आते हैं, सीट्स भी लेदर आती हैं, और इसके साथ नेविगेशन भी आती है. गाड़ी लेते हुए जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी प्रैक्टिकलिटी होती है. तो अभी हम प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे जिसमें बूट स्पेस आती है और इंटीरियर की स्पेसेस आती हैं. तो साथ भी मुझे ज़रा इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में बताएं. इंटीरियर की बात करें तो स्पेस एडिक्वेट है, लेकिन यू कैन नॉट से दैट मच, मतलब इट्स एवरेज स्पेस. बाकी भी जो इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं उतनी ही होगी, कोई बहुत ना ज़्यादा है ना कम है. और अगर ट्रैवल एक्सपीरियंस और पैसेंजर कंफर्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से लॉन्ग ट्रैवल पे सिर्फ चार लोग ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी सीट में भी हम्प है पीछे वाली, और फुट साइड पे भी हम्प है. तो मेरे ख्याल से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिर्फ चार लोग ही सूटेबल हैं. ठीक है. और इसके चारों डोर्स में जो है वो बॉटल की स्पेस भी है, हाफ लीटर बॉटल आ सकती है. यस. और इसके साथ थोड़ा सा ग्लव कंपार्टमेंट भी है छोटा सा चारों साइड पे. एंड इफ यू टॉक अबाउट द बूट स्पेस, इसका जो बूट का बटन है वो यहाँ पे, गाड़ी अनलॉक हो तो आप उसे प्रेस करके बूट को खोल सकते हैं, और अगर अनलॉक नहीं भी है और आपकी पॉकेट में की है तो आप फिर भी इस बूट को ओपन कर सकते हैं. तो बूट स्पेस जो है, अगर हम कंपेयर करें इसके कंपेटिटर से, क्रोला से, तो क्या कहेंगे? बूट स्पेस काफ़ी कम है बेसिकली. ये मेरे ख्याल से इसकी डिज़ाइन फिलॉसफी ऐसी है कि परफॉर्मेंस ड्रिवन के जो है वो. हाँ, इसका डिज़ाइन ऐसा है, कूपे स्टाइल के जो बूट स्पेस है वो कम ही होगी. हाँ, तो इसमें बूट स्पेस एज मच नहीं है. मतलब मैंने और भी बहुत सारी ड्राइव की हैं, मतलब क्रोला इवन के सिटी, होंडा सिटी में बूट स्पेस इससे ज़्यादा है. इसकी डेप्थ की हम बात करें, अगर डेप्थ नहीं है इतनी, वो अभी हम बात कर रहे थे कि जो इसमें टायर है वो उन्होंने फुल साइज़ वाला दिया हुआ है. यस. अगर स्पेस सेविंग टायर होता तो शायद इसकी डेप्थ ज़्यादा होती. या सो उसकी बूट स्पेस ज़्यादा हो सकती थी. और हम और पाकिस्तानियों के लिए जो यूजली जो पानी है, पानी का जो गैलन होता है डिस्पेंसर वाला, वो गाड़ी के अंदर रखते हैं, तो इसके अंदर वो नहीं आता. क्रोला में, सिटी में, इलांट्रा में आ जाता है, इसके अंदर नहीं आता. सो दैट्स इट अबाउट द बूट. और प्रैक्टिकलिटी के साथ हम इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बात करेंगे. जो इसकी मेंटेनेंस है, आप कितने किलोमीटर्स बाद इसका ऑयल शॉयल चेंज करवाते हैं? आई चेंज माय ऑयल आफ्टर लाइक 5 to 6,000 किलोमीटर. ठीक है. और उसमें मैं इस ऑयल के साथ साथ इसका ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर हमेशा साथ चेंज करवाता हूँ. ठीक है. और आप होंडा से करवाते हैं या लोकल? मतलब स्टार्ट के दो जो सर्विसेज हैं वो मैंने होंडा से करवाई थी. उसके बाद एक और है, अच्छी कंपनी है, दे आर अ फ्रेंचाइज ऑफ अ बिग ग्रुप. अच्छा. और उनके जो सर्विस स्टेशन है पूरे पाकिस्तान में है, तो मैं उन्हीं से करवाता हूँ. वो ऑथराइज डीलर है, उनके फैसलाबाद में फ्रेंचाइज है. ठीक है. तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ 5W30 जो ग्रेड का ऑयल है, इंजन ऑयल, वो यूज़ करता हूँ. किस कंपनी का?
मैं टोटल क्वार्ट्स यूज करता हूँ. ठीक है, मेरे ख्याल से उसके टोटल इज गुड. वो इट्स द बेस्ट, आई थिंक इट्स द बेस्ट. मैंने सारे ट्राई किए हैं, करने नहीं चाहिए वैसे ज़्यादातर ट्राई, लेकिन मैंने सारे ट्राई किए हैं, मुझे वो बेस्ट लगा है. 5W30 टोटल क्वार्ट्स जो है वो उससे परफॉर्मेंस सबसे अच्छी आती है. और, yeah, और ये कितने किलोमीटर बाद करवाते हैं आप? 5 to 6,000 किलोमीटर. 5 to 6,000. और कितनी कॉस्ट आती है? रफली 14 से 15,000 लगते हैं. अच्छा, एक मिनट. उसके अंदर आपका ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर होता है, एयर फिल्टर चेंज होता है, उसके अलावा बस यही होता है. 15,005, यानी कि आपको पर किलोमीटर तकरीबन 3 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ रही है. तकरीबन 3 रुपये पर किलोमीटर जो है वो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है. ठीक है, और फ्यूल एवरेज क्या दे रही है ये गाड़ी? फ्यूल एवरेज इसकी है, अगर आप लिमिट में चलाएं, जैसे मोटरवेज लॉन्ग रूट्स पे मोटरवेज की लिमिट है 120, और उस पर चलाएँ तो तकरीबन 14.5 से 15 तक इसकी एवरेज है, और अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो 13 के राउंड अबाउट, 12 से 13 है. आपको 3 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, तो आप फ्यूल लाइंस के अंदर इस गाड़ी को कैसे सम अप करेंगे? ब्यूटी एंड द बीस्ट. ब्यूटी एंड द बीस्ट, वेरी नाइस. ठीक हो गया. तो आज जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन आपने 44.5 मिलियन की ली थी, और आज ये जो यूज्ड है 2020 मॉडल ये कॉस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट 65 लाख, यानी 6.5 मिलियन, 6.5 to 7 मिलियन के दरमियान लोग सेल कर रहे हैं इस गाड़ी को. हाँ जी, इजीली हो रही है. ठीक है, तो क्या अगर आज आपने गाड़ी चेंज करनी हो और आपके पास बजट हो 7 मिलियन का, तो क्या आप यही गाड़ी कंसीडर करेंगे या मार्केट में और कोई जो गाड़ियाँ उनको कंसीडर करेंगे या चेकआउट करेंगे? मैं अगर मेरे पास बजट इतना है तो फिर मैं यही कंसीडर करूंगा. अगर मैंने अपना सेगमेंट चेंज करना है, फॉर एग्जांपल एसयूवी में जाना है, एसयूवी में जा रहा हूँ, क्रॉसओवर आएगी इस बजट में, हाँ, सेडान से हटके कुछ लेना चाहूंगा तो मैं फिर सोचूंगा कुछ और. अगर मुझे सेडान ही चाहिए हो कूपे में तो मैं फिर होंडा सिविक ही लूंगा. ठीक हो गया. और अगर आप एसयूवी चूज करना चाहें तो आप कौन सी लेंगे? दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक. ब्यूटी वाइज इस रेंज में थोड़ी सी मुझे चंगान और शान X7 पसंद है. उसकी लुक्स वो भी अब 9 मिलियन की हो, हाँ, थोड़ी बढ़ गई है अब. वैसे MG जो है वो बड़ी अच्छी थी. MGHS की जो खूबसूरती है वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से. और आज MG इससे भी सस्ती आ जाती है, वो 6.5 मिलियन से स्टार्ट हो जाती है. लेकिन अभी मैं सेडान से स्विच करना नहीं चाह रहा, तो इसलिए अगर मैं कभी भी सेडान से स्विच करना सोचूंगा तो फिर डेफिनेटली MG विल बी एन ऑप्शन. ठीक हो गया. सो आई थिंक दैट्स इट अबाउट दी बज गया चलो.